उत्तर कोरिया अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा के चलते सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और इधर अमेरिका की धमकी के बाद उत्तर कोरिया ने रविवार को एक और मिसाइल परीक्षण कर डाला। इस परीक्षण की सूचना दक्षिण कोरिया ने दी है। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दफ्तर का कहना है कि ये परीक्षण रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर बाद किया गया है। एक हफ्ता पहले ही उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया था। उस मिसाइल परीक्षण के बारे में कहा गया था कि वो अलग तरह की मिसाइल थी जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। पिछले सोमवार को ही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया को दोबारा मिसाइल परीक्षण नहीं करने और प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन उत्तर कोरिया ने किसी की न सुनते हुए रविवार को एक और मिसाइल छोड़ दी। उत्तर कोरिया अब तक 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है। वो अपनी मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कर उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र को खुली चुनौती दे रहा है। दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहैप से वहां के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ये मिसाइल 500 किलोमीटर दूर गिरी है। पिछले हफ्ते की मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरी थी। इससे पहले रविवार को उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने कहा था कि वो परीक्षण करना जारी रखेगा ताकि अमेरिका उसकी जद में आ सके। साउथ कोरिया मीडिया एजेंसी योनहैप के मुताबिक ताजा परीक्षण के बाद दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए इन ने तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। टीम इंडिया।